911, what's the location of the emergency? My daughter is missing. What's your address, ma'am? She's gone. We can't find her anywhere. I've called all her friends. How old is she? 11. Okay, what's her name, ma'am? Carly, Carlie. जो फुटेज आपने अभी देखी वो एक 11 साल की लड़की कार्ली की थी जो उस दिन किडनैप हुई थी। कार्ली एक रात अपने फ्रेंड के पास गुजार रही थी। वो दूसरे दिन सुबह उठी एंड उसने अपनी फ्रेंड की मॉम को कहा कि उसने वापस घर जाना है क्योंकि उसने घर जाकर सुपर बॉल मैच देख रहा था। तो उसकी फ्रेंड की मॉम ने कहा कि तुम अकेले कैसे जाओगी, थोड़ा वेट कर लो। लेकिन कार्ली ने जिद की एंड कहा कि उसको इजाज़त है घर से अकेले वॉक करने की। तो वो अराउंड 6 PM वहाँ से निकल गई। बट उसकी फ्रेंड की मॉम को उसकी फिक्र हो रही थी तो उसने कार्ली की मॉम को कॉल करके कहा कि कार्ली वापस घर आ रही है, वो भी पैदल। जैसे ही कार्ली की मॉम ने ये सुना तो उनको टेंशन होने लगी एंड कहा कि वो कार्ली को अकेले वॉक करने कभी नहीं देती। एंड उसने फिर कार्ली के उसके फादर को भेजा उसको लेने के लिए, जिसका नाम था स्टीव। स्टीव बाहर उसको ढूंढता रहा लेकिन कार्ली का कोई अता पता नहीं था। और फिर यहाँ से ये नाइटमेयर स्टार्ट हुआ। स्टीव कार्ली को 2 घंटे तक ढूंढता रहा लेकिन जब वो नहीं मिली तो उसको लगा शायद वो घर वापस आ गई होगी। तो वो वापस घर आ गया लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आई थी। कार्ली की मॉम सुजन ने एक इंटरव्यू में कहा कि उसको उसी वक्त फील हो रहा था कि कार्ली के साथ कुछ बुरा हुआ है। उसके बाद कार्ली के स्टेप फादर स्टीव और उसकी मॉम सुजन दोनों साथ निकल गए उसको ढूंढने के लिए। जब वो सर्च कर रहे थे तो उनको बार बार एक रेड कलर की ट्रक नज़र आ रही थी। फिर वो अपने एक फ्रेंड के पास गए कार्ली को ढूंढने लेकिन कार्ली वहाँ भी नहीं थी। जैसे वो बाहर निकले तो उनको वहाँ फिर से वही रेड ट्रक नज़र आई। फिर कार्ली की मॉम ने फाइनली आकर सोचा कि पुलिस को कॉल की जाए। और अब आपकी 911 कॉल सुनकर अंदाज़ा हो जाएगा कि सुजन कितनी डरी हुई थी। 911, what's the location of the emergency? My daughter is missing. What's your address, ma'am? And your phone number? Okay. Has she been missing before? No. She had a fight with her girlfriend. She decided to walk home. And we've been driving around for about 1.5 hours. Mm-hmm. And it's not 1.5 hour walk. She's gone. We can't find her anywhere. I've called all her friends. How old is she? 11. And when was the last time that she was seen? It was at 6 o'clock, Jean. Around 6 o'clock. And she was at a friend's house? Yeah. Okay, what's her name, ma'am? Carly, Carlie. And last name? Brucia, Brucia. She's just shy of 5 feet. Okay. Do you know how much she weighs? She's over 120 pounds. And what color hair does she have? Dirty blonde. And what color eyes? Blue. इस 911 कॉल के बाद पुलिस ने जल्दी से कार्ली को ढूंढने के लिए टीम भेज दी। पुलिस ने 5 घंटों तक उसे ढूंढा लेकिन कार्ली नहीं मिली। दूसरी तरफ कार्ली की फैमिली और फ्रेंड सब मिसिंग फ्लैश बनाकर शेयर कर रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। कार्ली का स्टेप फादर जब यह फ्लैश दे रहा था तो उसने एक जगह एक बंदे को कहा कि उसको ड्रग्स खरीदने हैं। जैसे उसने ये बात की तो उस बंदे को थोड़ा अजीब लगा कि अभी इसकी बेटी नहीं मिली और इसको ड्रग्स की पड़ी है। तो उस बंदे ने जाकर पुलिस को बता दिया। पुलिस ने जब स्टीव से पूछा तो स्टीव ने कहा कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है और उस वक्त घर में था, जो कि बाद में सुजन ने कंफर्म किया। पुलिस ने उसको छोड़ दिया लेकिन जाते वक्त स्टीव ने एक नाम बताया, रॉन, जो उस रेड ट्रक का ओनर था। रॉन असल में इसकी फ्रेंड की मॉम को जानता था और कुछ लोगों का कहना है कि रॉन कार्ली की फ्रेंड की मॉम को डेट कर रहा था। पुलिस ने रॉन को फिर बुलाया लेकिन रॉन ने बताया कि वो उस वक्त काम पे था, जो बात उसके कर वर्कर्स ने कंफर्म की। पुलिस ने फिर से सुजन से बात की तो उसने कहा कि कार्ली कभी भी घर से भाग नहीं सकती एंड ये उसके करेक्टर से बाहर है। लेकिन पुलिस ने जब कार्ली के फ्रेंड से बात की तो उन्होंने दूसरी स्टोरी बताई। उन्होंने ये बताया कि कार्ली 2 दिन से घर वालों से अपसेट थी एंड घर पर ज़्यादा स्टे करना नहीं पसंद करती थी क्योंकि उसको लगता था कि उसके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पुलिस को जब यह पता चला तो उन्होंने ये भी पॉसिबिलिटी रखी कि कार्ली शायद गुस्से में आकर घर से भाग गई है, जो कि काश सच होता। कुछ दिन बाद पुलिस के ट्रेन डॉग्स जो कार्ली की सेंट फॉलो करते करते एक वर्कशॉप पे जाकर रुके जो कार्ली और कार्ली के फ्रेंड के घर के रास्ते में था। वहाँ जाकर कार्ली का पूछा लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन पुलिस ने नोटिस किया कि वहाँ CCTV कैमरा लगे हुए थे तो उन्होंने फुटेज देखने को कहा।
और जो उन्होंने देखा उससे पूरी कम्युनिटी शॉक में आ गई। वीडियो में हमें कार्ली नजर आती है जो अकेले वॉक कर रही थी एंड उसके सामने से एक बंदा गुजर रहा था जो कि लग रहा था कि अपने रास्ते जा रहा है, लेकिन करीब आते ही वो कार्ली के सामने रुक गया एंड उसको हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले गया। एंड उस आदमी ने शायद ये कहा होगा कि कार्ली की फैमिली कार्ली का वेट कर रही है, ये कहकर उसको साथ ले गया होगा। कार्ली की फैमिली ने जल्दी से ये कंफर्म किया कि ये इनफैक्ट यही इनकी बेटी है। पुलिस ने ये क्लिप हर टेलीविजन पे लगा ली ताकि इस शख्स को कोई पहचान सके। और कुछ दिन बाद ही एक अच्छी न्यूज़ मिली। कुछ लोगों ने कॉल करके कहा कि इस बंदे का नाम जोसेफ स्मिथ है, एक मैकेनिक जिसके ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, जो कि आउट ऑफ पैरोल था ड्रग्स के केस में। यही नहीं, इसके अलावा उसके ऊपर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और किडनैपिंग के भी केसेस थे। जोसेफ की टिप देने में उसका कोवर्कर भी था जिसने कहा कि इस बंदे की ड्रेसिंग एंड शक्ल से लग रहा था कि वो जोसेफ ही है। और उस कोवर्कर ने यह भी बताया कि किडनैपिंग के दूसरे दिन जोसेफ नर्वस लग रहा था और नशे की हालत में था, और यह भी बताया कि जोसेफ के माली हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे एंड वो स्ट्रगल कर रहा था। पुलिस ने यह सुनकर जोसेफ के खिलाफ और एविडेंस गैदर करने लग गए। उन्होंने फिर से आसपास की सीसीटीवी फुटेज रिव्यू की तो उसमें एक गाड़ी नजर आई, येलो स्टेशन वैगन, जो कि वहाँ 3 मिनट पहले एंटर हुई थी। फुटेज बहुत ख़राब थी तो वो नंबर प्लेट नहीं निकाल पा रहे थे, तो फाइनली पुलिस ने सोचा कि जोसेफ को विजिट किया जाए। जोसेफ जो अपने पास किसी फ्रेंड के घर में एक रूम रेंट कर रहा था क्योंकि उसकी बीवी ने उसको अपने घर से निकाल दिया था किसी रीज़न की वजह से। पुलिस जैसे ही उस घर पर पहुंची तो वहाँ वो बाहर सिगरेट पी रहा था। पुलिस घूमकर वापस आई तो वो अंदर चला गया था। पुलिस ने बहुत बार दरवाज़ा नॉक किया लेकिन किसी ने ओपन नहीं किया। नेबर ने उनको बताया कि उन्होंने जोसेफ को एक औरत से बात करते हुए देखा और फिर वो अंदर चला गया। उसी वक्त एक औरत आई जो जोसेफ की सिस्टर थी, उसने जाकर जोसेफ को बुलाया तो जोसेफ बाहर आ गया। जोसेफ का कहना था कि वो सो रहा था तो उसने नॉकिंग नहीं सुनी। पुलिस ने उसको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उसने कहा कि ये बंदा वो नहीं है एंड उसने बताया कि कार्ले की डिसअपीयरिंग के वक्त वो यहाँ ही था अपने घर में और वो सुपर बोल मैच देख रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि उसके फ्रेंड्स ने कंफर्म किया। तो पुलिस फिर से सोच में पड़ गई, लेकिन उसके दूसरे दिन ही पुलिस ने उसको बुलाया एंड कहा कि अपने स्लीव्स ऊपर करो। जैसे ही उसने ऊपर किए तो उसके भी सेम उस जगह टैटू थे जहाँ उस बंदे के थे। और जोसेफ के फ्रेंड्स फिर से पुलिस आए और उन्होंने कहा कि उनसे गलती होगी, असल में जोसेफ उस दिन उनके साथ नहीं था और वो उनकी गाड़ी लेकर कहीं चला गया था जो कि दूसरे दिन ही आया था। उनकी गाड़ी वही येलो वैगन थी। पुलिस को कन्फर्म हो गया कि उनको अपना बंदा मिल गया है। ये वीडियो जो आप अभी देखने वाले हैं वो जोसेफ की इंट्रोगेशन की है। I want to just talk. You and I had some things to talk about. Okay, because some of the things at the house, we got to get straight. That's the most important thing. Okay. In this room, it's about the truth. Mm-hmm. Okay. It's the most important thing that goes on in this room. You know, I was already advised to talk to a lawyer. जोसेफ ने जैसे ही लॉयर का बोला तो ऑफिसर वहां से उठ गया। इसके बाद जोसेफ बार बार अपने घर वालों से बात करने को बोल रहा था। I can't talk to you. You have requested a lawyer. What about my family? Why can't I call them? You know, I want to talk to my parents or my brother. Hey, did you say something? Do you think that I could smoke or not? बात यहाँ 11 साल के बच्चे की लाइफ एंड डेथ की हो रही है और उसको सिगरेट पीने की पड़ी हुई है। उसने फिर जोसेफ की रिक्वेस्ट को मना कर दिया। इसके बाद जोसेफ को वापस जेल भेज दिया और उसके दूसरे दिन ही उसने अपने भाई को कॉल करके फाइनली सब कुछ बता दिया कि उसने कार्ले को किडनैप किया था एंड उस पर असोल्ट किया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। उसने अपने भाई को ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई और ये कहा कि वो ड्रग्स में था तो उसको कुछ ज़्यादा याद नहीं है। जोसेफ शायद यहाँ अपना डिफेंस केस बनाना चाह रहा था ये कहकर कि वो असल में ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था, इसलिए उसको कुछ याद नहीं। जो लोकेशन जोसेफ ने डिस्क्राइब की, पुलिस वहाँ पहुँच गई। एक चर्च जो कि वुडवुड एरिया में था, कार्ले के घर से कुछ माइल्स ही दूर, और वहाँ उनको कार्ले की बॉडी मिली। उसके हाथों में निशान थे जैसे उसको बांध कर रखा हो। ऑटोप्सी से बाद में पता चला कि कॉज ऑफ डेथ स्ट्रेंगुलेशन थी और वो बहुत बुरी तरह से असोल्ट हुई थी। गाड़ी को सर्च करने के बाद उनको बैक सीट पर कार्ले के कुछ बाल मिले
जिसके अलावा कुछ फैब्रिक के पीसेस जो बाद में कार्ले के मैच हुए, जोसेफ पे जल्दी से मर्डर का चार्ज लग गया। दूसरी तरफ कम्युनिटी पुलिस पे बहुत गुस्सा थी कि एक ऐसे शख्स को बाहर कैसे रहने दिया जो 10 साल से बहुत से क्राइम्स में चार्ज हुआ था। कार्ले के मर्डर के एक मंथ पहले जज ने जोसेफ को ड्रग्स के यूज़ में अरेस्ट करने का कहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रीज़न, क्योंकि पुलिस वालों ने पेपर वर्क कम्प्लीट नहीं किए थे। केस चलने के बाद कोर्ट ने जोसेफ को गुलटी करार दिया एंड उसको डेथ सेंटेंस की सज़ा दी, लेकिन 2021 में जोसेफ की जेल में ही मौत हो गई डेथ सेंटेंस का वेट करते करते।